नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी और कविता का नाम है एक कम और जिसके कवि हैं विष्णु खरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कविता को। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता की समरी बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इस कविता में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, इस कविता में विष्णु खरे जी ने, जो कि हमारे कवि हैं, विष्णु खरे जी ने सन 1947 में मिली आज़ादी के बाद के भारत की जीवन शैली का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम सब जानते हैं 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और उसके बाद से जो लोगों के जीवन में बदलाव आए, कुछ लोग अमीर हुए और कुछ लोग गरीब हुए। अब ये अमीर और गरीब की जो खाई बनी, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि आज़ादी के बाद बहुत से लोगों ने गलत तरीक़ों से पैसा कमाया, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, ठीक है, चाहे वो किसी को ठगना हो। तो कुल मिला के ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने गलत तरीक़ों को आजमाया और पैसा कमाया और वो बन गए अमीर। और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कि थे गरीब लोग, क्योंकि वो थे ईमानदार। अब जो ईमानदार होगा भाई, वो गरीब भी होगा, क्योंकि उन्होंने किसी को ठगा नहीं, ना ही भ्रष्टाचार में वो शामिल हुए। तो उन्होंने, चाहे उन्हें भीख मांगकर रोटी कमानी पड़े, चाहे उन्हें अपना पेट भरने के लिए भीख क्यों ना मांगनी पड़े, उन्होंने अपना गुजारा जो था वो ऐसे ही किया बजाय किसी को ठगने के या भ्रष्टाचार में शामिल होने के। ठीक है, तो इस पूरी कविता में हम देखेंगे कि जो अमीर और गरीब लोग थे उनमें क्या डिफरेंस था, जो अमीर लोग थे वो कैसे अमीर हो गए और जो गरीब लोग थे वो क्यों गरीब रह गए। अब आगे की लाइन है, हमारे देश में आज़ादी के बाद कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। अमीर बनने की होड़ में लोगों ने अपना स्वाभिमान तक बेच दिया और लोगों ने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके पैसा कमाया। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो लोग अमीर बन गए थे उन्होंने क्या किया, गलत गलत तरीकों से अपने पैसे कमाए, धन अर्जित किया और लोगों को लूटा, भ्रष्टाचार में शामिल हुए। और जो गरीब लोग थे वो तो ईमानदार थे, उन्होंने ऐसी कोई भी घटना नहीं की। तो आइए अब देखते हैं कविता को व्याख्या सहित। अब आगे की लाइनें हैं, 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या दो रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। अब जो कवि हैं विष्णु खरे, वो बताते हैं कि कवि कहते हैं कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने बहुत से लोगों को गलत कामों से जो पैसे कमाते हुए देखा, लोगों को ठगते हुए देखा और भ्रष्टाचार करते हुए देखा। और कवि ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, ठीक है, मतलब बुराई करते हैं जिन्होंने गलत तरीकों से पैसा कमाया है और फिर खुद को अमीर बोलते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो भाई खुद को अमीर बोलते हैं लेकिन उन्होंने पैसा जो कमाया है, जो उनकी अमीरी का राज है, वो राज ये है कि उन्होंने गरीब लोगों को ठगा और बुरे से बुरे काम किए और गलत तरीकों से पैसा कमाया। तो कवि ऐसे लोगों की बुराई करते हैं जिन्होंने कुछ इस तरीके से कार्य किए। और आज ऐसी स्थिति है कि जब भी कवि के सामने भीख मांगता हुआ कोई आदमी आता है, या औरत या बच्चा, तो कवि को वो व्यक्ति ईमानदार लगता है। ईमानदार क्यों लगता है? क्योंकि जो एक ऐसा इंसान है जो अपनी रोटी के लिए या एक कप चाय के लिए भी भीख मांग रहा है, तो वो गलत तो हो नहीं सकता, वो ईमानदार है। और वो गरीब है और वो भिखारी जो आदमी है वो कवि की नज़र में ईमानदार है, क्योंकि उसने कभी भी गलत रास्ते को नहीं अपनाया पैसा कमाने के लिए। अगर वो गलत रास्ते को अपनाता तो शायद उसे ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी के आगे जाके हाथ फैलाए और भीख मांगे दो रोटी के लिए भी। ठीक है, तो कवि को ऐसे व्यक्ति ईमानदार लगते हैं जो कि भीख मांग रहे हैं बजाय अपने स्वाभिमान को बेचने के। ठीक है, अपना ज़मीर बेच के जो लोग पैसे कमाते हैं और उन्होंने अपने आप को अमीर बताते हैं, तो कवि ऐसे लोगों की बुराई करते हैं। अगर ये चाहता तो ये भी गलत तरीके से पैसा कमाकर अमीर बन सकता था। कवि कहते हैं उन भिखारियों को देखकर कि अगर ये भिखारी चाहते तो ये भी गलत तरीकों से पैसा कमाकर अमीर बन सकते थे, लेकिन ये 25 पैसों के लिए और एक चाय के कप के लिए और दो रोटी के लिए हाथ फैला सकते हैं, इसलिए ये लोग कभी भी बेईमान नहीं है। और यही लोग असली, अगर देखा जाए तो ईमानदार यही हैं जो कि दो टाइम की रोटी के लिए भी हाथ फैलाते हैं लोगों के आगे जाकर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन। फिर आगे की लाइन है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकाक्षी।
अब यहां पर कवि अपने बारे में बताते हैं और कवि कहते हैं, यहां कवि विष्णु करे खुद को लाचार बताते हैं, कम कामचोर बताते हैं और धोखेबाज बताते हैं। क्यों? और कहते हैं कि वह इन ईमानदार लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी इन लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। अब कवि जानते हैं कि ये लोग जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, ये ईमानदार हैं, लेकिन कवि अब अकेला क्या सके? अब एक इंसान क्या कर सकता है? अब सारे के सारे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनसे कवि अकेला तो लड़ नहीं सकता, तो इसलिए कवि खुद को लाचार बताता है, कामचोर बताता है और धोखेबाज बताता है, क्योंकि वो इन गरीबों की और इन ईमानदार लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता और कवि इनको इग्नोर करता है और इन्हें अनदेखा करता है, इसलिए कवि खुद को कोसता है। इस प्रकार कवि भ्रष्टाचारी लोगों के बीच जी रहे ईमानदार लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता है, ठीक है, उनके लिए जो उनका दुख है कवि का वो प्रकट करता है। कवि को बेहद दुख है कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि कवि अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हुए खुद को नंगा और निर्लज कहता है। कवि खुद की बेइज्जती करता है और खुद पर हंसता है कि क्या ये इंसान है, तू मतलब इतना भी नहीं कर सकता कि ये जो लोग दो रोटी के लिए आके भीख मांग रहे हैं, क्या मैं इनकी मदद नहीं कर सकता? कवि खुद को कोसता है, ठीक है, और इतना कोसता है कि कवि यहाँ तक कि खुद को क्या कह देता है, नंगा और निर्लज और कामचोर लाचार, ये सब कवि अपने आप को कोसते हुए कहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी ये लाइनें जिसमें कवि खुद को कोसता है। अब आगे की लाइनें ऐसे हैं कि मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब कवि बताते हैं कि कवि कहते हैं मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कवि कहते हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं तुम गरीब लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, और कवि कहता है कि मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा हिस्सा बांटना चाहता हूँ, और कवि ईमानदार व्यक्ति के रास्ते में कोई बाधा भी नहीं उत्पन्न करना चाहता। कवि कहता है कि ना तो मैं तुम्हारा विरोधी हूँ और ना मैं तुम्हारा साथी हूँ और ना मैं तुम्हारे रास्ते में कोई कंकर बनना चाहता हूँ, इसलिए कवि कहता है कि मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। और कवि कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति उससे निश्चिंत होकर रह सकता है कि भाई यहाँ दुनिया में चारों ओर लोग जो घूम रहे हैं वो गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं और ठग, चारों तरफ ठग घूम रहे हैं, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ना तुम्हें कोई हानि पहुँचाऊंगा और ना ही तुम्हें मुझसे कोई लाभ होगा, इसलिए तुम मुझसे टेंशन फ्री रह सकते हो, ठीक है। तो ये लाइनें बताता है कवि। तो कविता हमारी यहाँ पर होती है खत्म। अब इस कविता के कुछ विशेष के बिंदु देखते हैं कि पहला पॉइंट है, इस कविता में कवि ने भ्रष्टाचारी लोगों की निंदा की है एवं जिन लोगों ने धोखाधड़ी और गलत तरीकों से पैसा अर्जित किया उनकी भी कवि ने निंदा की है, मतलब बुराई की है। और इस कविता की भाषा सरल और सहज है, ये तो आप देख ही सकते हैं, और इस कविता में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और यह एक छंद मुक्त कविता है। और कई बच्चों का कमेंट में ये क्वेश्चन आता है कि छंद मुक्त क्या होता है, तो मैं आपको छंद मुक्त बता दूंगा, इससे दो तीन कविता बाद जो हम प्राचीन कविताएं पढ़ेंगे वो सारी लगभग छंद वाली कविताएं हम पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा छंद वाली कविता और छंद मुक्त कविता में क्या अंतर होता है। और इस कविता में हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आपने एक लाइन पढ़ी थी जहाँ कवि बताते हैं भिखारी जो है वो दो रोटी के लिए जाके हाथ फैलाते हैं, तो हाथ फैलाना एक मुहावरा है। अब इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि ने लोगों को आत्मनिर्भर मालामाल होने के लिए किन किन तरीकों की ओर संकेत किया है, कि मतलब कवि ने क्या बताया कि जो लोग अमीर हुए हैं या मालामाल हुए हैं उन्होंने किन किन तरीकों को अपनाया है, जैसे उन्होंने ठगी की है, गरीब लोगों को ठगा है, भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं और बहुत से ऐसे गलत तरीकों से पैसा कमाया है जिससे वो अमीर हुए हैं, तो वो सब आपको इसमें बताना है। और यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी पूरी कविता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई हो, और कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट डाल सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय।